साइंस सोसाइटी के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में बच्चों को रॉकेट की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया कि किस तरह से रॉकेट बनाया जाता है और किस तरह से उड़ाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ऐसे इसका भी है, पर ये आपके घरों वगैरह नहीं गिरता है, बहुत बड़ा होता है, नहीं गिरेगा। रॉकेट जो है वो चार हिस्सों में बना होता है, ऐसे करके रॉकेट होता है। तो इसमें ये जो टैंक लगे होते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट होती है, ठीक है। जो भी सैटेलाइट आपने देखी होगी वो इस तरह की जो सैटेलाइट है पैनल लगे होते हैं, वो समझ तो और भी बहुत जगह है। अगर ब्लास्ट या कुछ फेल हुआ तो नुकसान नहीं होगा। और कुछ और किस इसरो में जिस ढंग से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, और इसरो में कैसे जाया जा सकता है इसके बारे में भी उन्होंने बच्चों के बीच में जानकारी दी है। दूसरा, कैसे एक छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ के जरिए भी बच्चे भी छोटी छोटी खोजों को कर सकते हैं और वो भी साइंटिस्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। और ब्रेक टू साइंस सोसाइटी लगातार इस तरीके के साइंटिस्टों को माने बुलाता रहा है और आज भी ब्रेक टू की तरफ से इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा है।